की सड़कों पर जब लोगों ने डाकू गब्बर सिंह, ठाकुर और कालिया को देखा तो उनके कदम रुक गए। डाकू गब्बर सिंह और कालिया घोड़े पर बंदूक के साथ घूमते रहे थे। गब्बर के साथ उसके गैंग के लोग भी काले कपड़ों में उसके साथ साथ चल रहे थे और साथ में एक गाड़ी पर ठाकुर सवार था। इन लोगों को देखकर आने जाने वाले लोग अपने मोबाइल फोन से इनकी तस्वीरें लेने लगे और वीडियो बनाने लगे। गब्बर की ड्रेस में दिखाई दे रहा व्यक्ति लगातार लोगों से पूछ रहा था, अबे सूरत के व्यापारियों, सरकार ने कितना जीएसटी लगाया है? अबे कालिया, कितना जीएसटी लगाया है? दरअसल ये गुजरात में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला करने का एक नया तरीका था। शहर में व्यापारियों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए कांग्रेस जमकर जीएसटी को मुद्दा बना रही है और बीजेपी पर हमलावर है। इसीलिए कांग्रेस ने सूरत में इस अनोखी रैली का आयोजन किया। इस रैली में फिल्म शोले के तमाम किरदारों के हमशक्ल उतरे और उन्होंने जीएसटी का विरोध किया। बता दें कि राहुल गांधी अपनी रैलियों में जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर मोदी सरकार को घेरते आए हैं। भाई और बहनों, अब ये जो 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मैं इसको 12 बजे रात को रद्द करने वाला हूं। हा 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 हा, इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है, छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए और तब भी ये सुनना नहीं चाहते। सूरत को क्योंकि गुजरात में बीजेपी का गढ़ कहा गया है तो कांग्रेस यहां वोटर्स को अपने पक्ष में लाकर बीजेपी को किसी भी हालत में गहरी चोट पहुंचाना चाहती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, सूरत।